अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है रेडिएटा और बाइलेट्रियल में क्या फ़र्क होता है। बाइलेट्रिया और रेडिएटा, ये दो ग्रेड हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमें वन बाय वन करके देखते हैं। रेडिएटा में वो एनिमल्स रखे गए हैं जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। जो रेडियल सिमेट्री रखते हैं उसको हमने जिस ग्रेड के अंदर रखा उसका नाम है रेडिएटा। रेडियल सिमेट्री क्या होती है ये भी अभी हम देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री हम किसको कहते हैं। ये रेडिएटा में जो भी जानदार हमने रखे हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिनके पास टू लेयर्स हैं, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक वाले एनिमल्स रेडियल सिमेट्री रखते हैं और उनको कहां पे रखा गया, रेडिएटा के अंदर। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कहीं से भी कट लगाएं तो वो मिरर इमेज दे। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इसको यहां से कट लगाए तो दोनों पीस सेम होंगे, यहां से कट लगाए दोनों पीस सेम होंगे, यहां से कट लगाए दोनों पीस सेम होंगे, यहां से कट लगाए दोनों पीस सेम होंगे। जहां से मर्जी कट लगाया जाए वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाए टू हाफ के अंदर और दोनों साइड सेम टू सेम हो, वो बेटा जो सिमेट्री जहां से मर्जी कट लगाने के बाद सेम इमेज दे, उसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल जो पॉइंट है, डिवाइड किया जाए द एनिमल्स इन हाफ डेट आर ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और वो मिरर इमेज दे कहीं से भी कट लगाने से सेंट्रल एक्सिस से बड़ा, उसको कहते हैं दे आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा के उसको कट लगाए तो सेम मिरर इमेज देगा, ये रेडियल सिमेट्री होती है। बाइलेट्रा या बाइलेट्रिया, इसमें वो जानदार रखे गए हैं जिसकी बाइलेट्रल सिमेट्री होती है। बाइलेट्रल सिमेट्री वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसकी थ्री लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। अगर यहाँ पर देखा जाए बाइलेट्रल सिमेट्री की पहचान क्या है, इसको सेंट्रल एक्सिस से कट लगाना है, एक साइड से कट लगेगा तो मिरर इमेज आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से काटता हूँ तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेम नहीं होगा। अगर यहाँ से ऐसे काटूंगा तो सेम पार्ट नहीं आएगा, अगर ऐसे काटूँ तो सेम पार्ट नहीं आएगा। वन साइड से जो कि ऊपर ओरल से अबोरल या पोस्टीरियर से एंटीरियर कट लगाता हूँ तो सेम मेरे बच्चे मिरर इमेज आता है, इसको बाइलेट्रल सिमेट्री कहते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म कह लें या ह्यूमन बींग कह लें, अगर आप इंसान को सर से काटते हैं नीचे तक लेकर आते हैं तो आपको पता है वन साइड, एक साइड पर यहाँ पर आँख है, एक साइड यहाँ पर आँख है, एक साइड पर यहाँ पर नोज का नोस्ट्रिल होगा, एक साइड यहाँ पे हाफ टीथ होंगे, यहाँ पे हाफ टीथ होंगे। इवन के बॉडी के सारे जो पार्टीशन है वो मिरर इमेज देगी। तो इसी तरह जो वन साइड से कट लगाने से मिरर इमेज आए, बाकी कहीं से भी कट लगाए मिरर इमेज ना आए, तो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन इन वन प्लान, एक प्लान से ना ऊपर से नीचे, हैव राइट एंड लेफ्ट साइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स, डोर्सल एंड वेंट्रल सर्फस, मे बी सिलोमेट हो सकते हैं वो जानदार, मे बी ए सिलोमेट हो सकते हैं, मे बी सीडो सिलोमेट। ये हमारे अगले तीन टॉपिक हैं, सिलोमेट, ए सिलोमेट और सीडो सिलोमेट। जैसे आपको पता है सिलोमेट वो होते हैं जिनकी बॉडी की कैविटी होती है, जिनकी बॉडी की कैविटी नहीं होती ए सिलोमेट हो गया, जिसकी बॉडी कैविटी प्रॉपर नहीं है, फॉल्स है, वो सीडो सिलोमेट होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री की सबसे अच्छी एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथी से लेकर कोडेड तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये हमारे पास दो ग्रेड थे, रेडिएटा और एक कौन से बेटा, बाइलेट्रिया। तो इसी के बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो सिलोमेट, ए सिलोमेट और सीडो सिलोमेट में क्या फ़र्क है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।